होटल कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। रामपुर के एक बड़े बिजनेसमैन और मशहूर होटल और पेट्रोल पंप व्यवसायी आकाश रस्तोगी से एक दबंग व्यक्ति ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। 1 करोड़ नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसकी बेटी को स्कूल से उठाने की भी धमकी दी है। होटल व्यवसायी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शिकायत पर धारा 386, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर रंगदारी मामले वाले बदमाश ऋतुराज को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर होटल व्यवसायी आकाश रस्तोगी ने ली राहत की सांस। वहीं होटल कारोबारी आकाश रस्तोगी ने अपनी आप बीती मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि हमारी एक ज़मीन है, उस पर हम कॉलोनी बनाने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ये हमको ब्लैकमेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, कहता है या तो मुझे पैसे दो नहीं तो मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। 3 साल पहले भी हमने इसके खिलाफ जो साक्ष्य थे पुलिस को देकर केस फाइल कराया था। 3 साल में आज तक किसी भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी मैं RDA दफ्तर गया था तो वहां पर ऋतुराज आ गया। उसने मुझे गालियां दी और मुझे जान से मारने की कोशिश की। बहरहाल मुझे वहां पर आकर लोगों ने बचा लिया। मुझसे ऋतुराज ने कहा कि तुमने जो केस कर रखा है उसे वापस ले लो, नहीं तो 24 घंटे का टाइम मैं तुम्हें या तुम्हारे घरवालों को मार दूंगा और उनकी कब्र का इंतजाम कर दिया है। उसने मुझे धमकी दी थी कि 1 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर तुम्हें देना है और अपना केस भी वापस लेना है। वहीं इस मामले में हमने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि एक होटल व्यवसायी है, वह अपना कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे थे। दूसरी साइड पर तशका गांव में वहां पर उनके खिलाफ भी कोई चिट्ठी दे दिया करता था। कोई भी उसका मकसद था कि उसको पैसे दे दे और उसी के संबंध में मुकदमा लिख गया। सिविल लाइंस में जो अभियुक्त थे ऋतुराज, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। रंगदारी और धमकी का ही मुकदमा लिखा गया है। इस व्यक्ति ने मुझसे 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। मुझसे बोला है कि आपके परिवार को मैं किसी से मार दूंगा। आपकी बच्ची कौन से स्कूल में जाती है मुझे पता है। आपके पिताजी किस टाइम टहलने जाते हैं मुझे पता है। आपके दादाजी इसी चिंता में चले गए हैं दुनिया छोड़ के। 3 साल से मेरे को ये इसी चीज़ पे परेशान कर रहा है, मुझे काम नहीं करने दे रहा है और मुझसे कह रहा है कि मेरे को ज़मीन भी दो, पैसे भी दो, नहीं तो मैं तुम्हारी झूठी शिकायतें करता रहूँगा। मैं किसान यूनियन के साथ मिला हुआ हूँ। किसान यूनियन के एक इनके मिलने वाले थे जिनके खिलाफ हमने पुरानी भी FIR कराई हुई। CD वो बाकायदा मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा मौजूद है केस में, जिसके खिलाफ केस पेंडिंग चल रहा है। तो 1 करोड़ रुपए जब इन्होंने मांगे तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा साहब मैं नहीं दे सकता। आप वो कौन, पहले तो मैं आपको जानता नहीं। आप ऐसे आके हमको परेशान करते रहोगे और हमें करोगे, आपकी मर्जी है करो। हम कानून पे विश्वास रखने वाले आदमी, हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे। और हमने RDA में क्या हो, RDA में इसने मुझे रोका, चाकू दिखा के मेरे पे हमला करने की कोशिश करी, जिसको मैंने उसी टाइम रोक के ख़त्म किया। उसके अलावा इसने मुझसे कहा कि 1 करोड़ रुपए दो नहीं तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर से किसी को मैं कम कर दूंगा। तुम्हारी बेटी कौन से स्कूल में जाती है मुझे पता है। और अपनी शिकायत जो तुमने FIR हमारे खिलाफ कर रखी है, केस जो हमारे ऊपर बना रखा है 3 साल से, जिसमें हम नामजद हैं और हमारे खिलाफ वारंट निकले हुए हैं, वो हमने रुकवा रखे हैं अपनी ताकत के दम पे, उसको वापस लो। फिर उसमें आपने FIR कराई कोई क्या? हाँ, इसमें जब ये सब मुद्दा हुआ तो हमने इनके खिलाफ दोबारा से FIR कराई। और पुलिस ने मुश्तैदी दिखाते हुए योगी जी की सरकार में इस बंदे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, पर इसका जो गैंग है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस उसको पकड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। अब चाहते क्या है? हम इंसाफ की दुहाई करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। और इनके साथ जैसे ब्लैकमेलर हैं, जो इनके वकील साहब हैं वैष्णो दत्त शर्मा जी, इनके साथ एक पत्रकार साहब हैं अजय सैनी जी, वो भी हमसे ये कह रहे हैं कि साहब हमारा तो ये काम है, आपसे जो होए कर लेना, हम तो आपके खिलाफ झूठे झूठे केस बनाते रहेंगे। एक होटल व्यवसायी हैं, वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे थे दूसरी साइड पर सास्ता गाँव में, तो वहाँ उनके खिलाफ कोई कभी कोई चिट्ठी दे दिया करता था, कभी कोई दरख्वास्त दे देता था, तो और उसका पर्पज़ ये था कि वो कुछ पैसा उसे दे दे। तो उसी संबंध में एक मुकदमा लिखा गया सिविल लाइन में और जो अभियुक्त है ऋतुराज उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, इसमें कुछ परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, उन्होंने बताया है, जो होटल व्यवसायी हैं। हाँ, वो बताया तो धमकी तो दी, उसी का मुकदमा ही लिखा है।